नंबर एक, रात को जल्दी खाना खा लेने से आप बहुत सी बीमारी से बच सकते हैं। नंबर दो, पैरों के तलवों पर सरसों के तेल की मालिश करने से आंखों को गजब का फ़ायदा मिलता है। नंबर तीन, बार बार और लंबे समय तक धूप में रहने से त्वचा चमड़ी का खतरा बढ़ जाता है। लंबे समय तक धूप में रहने से बचे और जब आपको बाहर जाना है तो सनस्क्रीन और लंबी बाजू के कपड़े पहने। नंबर चार, चेहरे के दाग धब्बे दूर करने के लिए दही के टमाटर रस को मिला ले, फिर 10 मिनट के लिए चेहरे पर लगा ले, इससे इसके बाद ठंडे पानी से धो ले। रोजाना लगाने से 10-15 दिनों में असर दिखाई देने लगेगा। नंबर पाँच, सुबह खाली पेट सौंफ का पानी पीने से वजन कम होता है, इसका असर 10 से 15 दिनों में ही दिखने लगता है। नंबर छः, अगर प्रेगनेंसी के दौरान पेट पर दाग धब्बे पड़ जाए तो पालक का रस निकालकर पेट पर मस ले, इससे दाग धब्बे धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। नंबर सात, अगर आपको अक्सर बदलते मौसम में खांसी हो जाती है, तब आपको लगे खांसी शुरू होने लगी है तो ये उपाय करें, 2 से 3 ग्राम हल्दी को 1 चम्मच घी या शहद के साथ दिन में 2 बार चाटने से खांसी रुक जाती है, साथ ही गर्म दूध में गुड़ डालकर पिए। नंबर आठ, काली मिर्च पानी के साथ खा लेने से इंसान हमेशा जवान रहता है। नंबर नौ, गर्मियों के अंदर नीम का पानी पी लिया करो, कोई बीमारी आपके पास नहीं आएगी। नंबर दस, पराठे के साथ आम का अचार खाने से भूख बढ़ती है। नंबर ग्यारह, प्याज काटकर अगले दिन के लिए ना रखें, इससे पेट की बीमारियां हो जाती है। नंबर 12, पुदीने का पत्ता चेहरे पर रगड़ने से चेहरा नरम और मुलायम हो जाते हैं और दाग धब्बे ख़त्म हो जाते हैं। नंबर 13, दिन भर की थकान दूर करने के लिए गर्म पानी में इलायची डालकर पी लें, इससे थकान दूर हो जाती है। नंबर 14, अदरक वाला पानी पी लेने से गर्मी कम लगती है। नंबर 15, दाल रोटी खा लेने से इंसान हमेशा जवान रहता है। नंबर 16, आलू बुखारा खा लेने से आंखों के नीचे गड्ढे नहीं रहते। नंबर 17, नारियल और चुकंदर खा लेने से हड्डियों के जोड़ मजबूत हो जाते हैं। नंबर 18, आम को ठंडा किए बगैर खा लेने से कमर दर्द में आराम मिलता है। नंबर 19, नींबू पानी सांस की बदबू को दूर करता है और स्किन को चमकदार बनाता है, गुर्दे की सफाई करता है क्योंकि विटामिन सी होता है नींबू में। नंबर 20, टमाटर को चेहरे पर रगड़ने से थोड़े दिनों में ही जाइयां ख़त्म हो जाती है। नंबर 21, पेट में दर्द हो तो उल्टा लेट जाने से काफ़ी हद तक आराम मिलता है। नंबर 22, जिन लोगों को अचानक बुखार आ जाता है तो उन्हें मेथी का पानी पिलाने से बहुत आराम मिलता है। नंबर 23, ज़्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। नंबर 24, अगर गर्मियों में कूलर में मच्छर आते हैं तो आप थोड़ा सा तेल पानी में डाल दें, इससे कूलर में मच्छर नहीं आते। नंबर 25, चेहरे पर नारियल का तेल मल लेने से दाने ख़त्म हो जाते हैं और मच्छर भी नहीं काटते। नंबर 26, सेब के रस के साथ शहद मिलाकर पी लेने से हर किस्म की खांसी आना बंद हो जाती है। नंबर 27, हर खाने के बाद मीठा खाने से बीमारी नहीं आएगी। नंबर 28, नमकीन चीज़ों को रात के समय खाने से एसिडिटी की समस्या हो सकती है। नंबर 29, खाने के बाद फौरन सो जाने से कान बहरेपन हो जाते हैं। नंबर 30, सफ़ेद चने शुगर को कम करने में भी मदद करता है। नंबर 31, ज़्यादा गर्म खाना खाने के इस्तेमाल से गले की बीमारियां जन्म लेती है और फेफड़े को कमज़ोर करती है और सांस की बीमारी ज़्यादा होने लगती है। नंबर 33, गुलाब के फूल की पत्ती चबाने से खून की कमी नहीं होती और चेहरा एकदम सॉफ्ट खिला खिला हो जाता है। नंबर 34, बाजरे की रोटी को दूध के साथ खाने से जिस्म में ताकत मिलती है। नंबर 35,
थोड़े से पानी में सिरका मिलाकर सब्जी के ऊपर छिड़क दो, सब्जी ताजी रहती है। नंबर 36, रोज़ाना शहद खाया करो, ये मुफीद होता है, शहद का ही काफ़ी बीमारी से आपको बचाता है। नंबर 37, कलौंजी का तेल दूध में डालकर पीने से बहुत सी बीमारियों से बचे रहते हैं, कलौंजी की सिर्फ 2 बूंद ही डालनी होती है। नंबर 38, घी में नमक मिलाकर खुजली वाली जगह पर मालिश करें, खुजली ख़त्म हो जाती है। नंबर 39, कभी भी लस्सी के साथ केला मत खाना, इससे मैदे में दर्द होता है और मैदा ख़राब हो जाता है। नंबर 40, जिन औरतों के घुटनों का दर्द रहता है तो उन्हें पानी बैठकर पीना चाहिए, पानी हमेशा बैठकर ही पीना चाहिए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं कुछ ऐसी ही वीडियो और टिप्स के साथ, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।